ये मेरा एलजी का रेफ्रिजरेटर और आज आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी। हर छोटे से छोटी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और मैंने इसको 15,000 में ख़रीदा है और प्राइस अलग अलग हो सकती है। और इसका मॉडल नंबर है B191KSOW और ये 2018 का मॉडल है। इसके चारों तरफ काट नहीं आती है और ये सिंगल डोर फ्रिज है। यहाँ पे जो साइड में होगा वहाँ पे करंट नहीं आता है और जो स्टैंड देख रहे हैं वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे क्या होगा, फ्रिज ख़राब नहीं होगा, पोछा लगा रहे हो तो करंट नहीं आएगा। ये एलजी कंपनी का होता है, इन्वर्टर पे भी चल जाता है ये। 10 साल की वारंटी मिलती है आपको कंप्रेसर पर जिसमें बल्ब जमती है, 1 ईयर की फ्रिज पर मिलती है। ये पावर सेविंग गाइड है, इस पर भी मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम ही आता है, 180 यूनिट पर ईयर आता है। और आप इसको विदाउट स्टेबलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बिजली का वॉट ज़्यादा होता है तो आपके फ्रिज को नुकसान नहीं होगा। और ये इसका कलर बरगंडी कलर है और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 2 साल मेरे को हो गए। और ये 3 स्टार फ्रिज है और जब आप इसको ऑन करते हो तो ये बहुत ही जल्दी कम टाइम में पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। तो ये 3 स्टार फ्रिज है, 3 स्टार से इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। इसके साथ आपको एक चाबी भी मिलती है जिससे अगर अपने फ्रिज को लॉक करना चाहते हैं तो अपने फ्रिज को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो साइड में एक ब्लैक कलर का बटन दिखता है, तो इससे क्या होगा, टॉर्च अपने आप बंद होती है। जैसे ही गेट बंद करते हो टॉर्च बंद हो जाती है और इसे गेट को खोलोगे वापस स्टार्ट हो जाएगी टॉर्च। और ये जो लाइन देख रहे हैं उससे क्या होगा, जो बाहर की जो धूल होती है वो अंदर नहीं आएगी और फ्रिज जब ठंडा होता है तो उसका ठंडक पूरे फ्रिज में रहती है, बाहर नहीं आती है। जब इसको आप खोलते हैं तो ये देखिए वापस बंद हो जाता है, हाथ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये नोटिस लिखा हुआ है, कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है। इसमें गर्म चीज़ें आप हाथों हाथ नहीं डाल सकते हो, ठंडे होने के बाद डालना, इसमें बर्फ़ जमता है। और यहाँ पे नोटिस लिखा होता है, आप एक बार पढ़ लेना सारे नोटिस। और ये टॉर्च होती है, 10 वाट की ये टॉर्च होती है, ये जो कि येलो कलर में लगती है। इससे क्या होगा, अंधेरे में आप फ्रिज को खोल रहे हो तो चारों तरफ इसकी रोशनी होती है। ये देखिए इसका अंदर का लुक ऐसा होता है, पूरे प्लास्टिक मटेरियल है। और चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कंप्रेसर होता है, इस पर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। ये मेन होता है, इससे ही फ्रिज पूरा ठंडा होता है। इसमें भी काफ़ी स्टोरेज है, ये एक ट्रे मैंने डाला, इसके अंदर 2-3 और ट्रे और डाल सकते हो, 2-3 बोतल भी आप इसके अंदर आराम से डाल सकते हो। वीडियो में तो इसे जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, अगर आप सर्दी हैं सर्दी पे हो तो 1 या 2 पे, ज़्यादा गर्मी हो तो 6 पे करना, बारिश हो तो 4 पे करना। निशान भी लगे हुए हैं, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर इसके अंदर ज़्यादा बर्फ़ जम जाए तो इस ब्लू वाले प्रेस कर देना है, वीडियो में दिख रहा है। जैसे भी थोड़ा बहुत भी बर्फ़ हो तो आप ऐसे इसको प्रेस कर दिया करो, ताकि क्या है ज़्यादा पानी नहीं गिरेगा अंदर से। और ये अपने आप ही वापस प्रेस जो करते हैं अपन बटन को, वो सही हो जाता है और पानी इसके अंदर इकट्ठा होता है। जब पानी इकट्ठा होता है तो आप उसे बाहर फेंक देना। और अपने हिसाब से अगर बटन को सही करोगे, सर्दी के हिसाब से गर्मी के हिसाब से, तो ज़्यादा बर्फ़ इसके अंदर नहीं जमता है। और जब बटन को दबाते हैं तो अपने आप ही सही हो जाता है, आपको वापस हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा बर्फ़ जमने का यह भी कारण होता है कि अगर आप फ्रीजर के गेट को बार बार खोलोगे तो उसकी बाहर की जो हवा होती है वो इसके अंदर चली जाती है और ज़्यादा बर्फ़ इसके अंदर जम जाता है। इसीलिए आप ऐसा ना करें। बर्फ़ इसमें फास्ट जमती है तो वह मैं आपको ट्राई करके भी बता रही हूँ। मैंने ट्रे को पूरा भर दिया है बर्फ़ जमाने के लिए और यहाँ पे 6 पे कर देना है। सर्दी का मौसम हो तो भी आपको 6 पे ही करना है। और ये देखिए बर्फ़ जम गई, आधा घंटा लगा और बर्फ़ पूरी जम चुकी है। मैं आपको पूरे तरीके से बता रही हूँ, वीडियो में हाथ लगा के भी दिखा रही हूँ। इसमें अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम रही है तो आप इसमें चाकू का इस्तेमाल मत करना। इसे चाकू से आप अगर बर्फ़ को हटाओगे तो क्या होगा कि जो नीचे लाइनिंग देख रहे हो तो ये फिर ख़राब हो जाती है और फिर आपका फ्रिज भी ख़राब हो जाता है, फिर फ्रिज ठंडा भी नहीं रहता है। और यहाँ पे भी नोटिस लिखा हुआ है, जो भी नोटिस लिखा हुआ है आप पूरा एक बार पढ़ लेना। और ये कांच की होती है 2, जिसपे आप सामान आराम से रख सकते हैं। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं इससे क्या होगा, अगर आपको अपने ट्रे को एडजस्ट करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ज़्यादा सामान रखना है तो एक ट्रे को आप हटा के दूसरे ट्रे पर रख सकते हो, इसके ऊपर भी आप रख सकते हो। ये प्लास्टिक मटेरियल है, नीचे जो बॉक्स देख रहे हो उसके अंदर आप सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह रख सकते हो। इसके भी स्टोरेज आपको काफ़ी मिल जाएगी इसके अंदर, मैं पूरा बता रही हूँ, पूरा वीडियो में आपको हर बात मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अंदर आप कोई छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, इसमें 4-5 बोतल आप रख सकते हैं और नीचे के साइड में भी आप आराम से रख सकते हैं। बोतल अगर बड़ी हो तो आप ऊपर वाले को निकाल सकते हो
और फिर आप अपने बोतल कर रख सकते हो। इसमें आप 1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो इसके अंदर। ये इस पर आइस जमती है और एक ट्रे आपको और मिलती है इसके साथ में, जिसके अंदर आप एग रख सकते हैं। एग रख नहीं रखना चाहते तो नींबू, टमाटर या कोई घोल चीज़ रख सकते हैं, या बर्फ़ भी जमा सकते हैं इसके अंदर। इस फ्रिज को आप साफ़ कैसे करेंगे उसका तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इन सभी पार्ट को आप निकाल सकते हैं, इसको भी आप कांच को निकाल सकते हैं, इस टाइप में करके आप निकाल दीजिए। और इसको देखिए, जैसे वीडियो में मैं कर रही हूँ वैसे ही करना, ऊपर की तरफ इसको करना है, प्रेस करना है, धीरे धीरे करना और ये सारे निकल जाएंगे, नीचे का जो भी है वो भी निकल जाएगा। और ये बहुत ही स्ट्रांग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, इसको भी आप इन दोनों को निकाल सकते हो, वीडियो में बता रही हूँ वैसे। इन सबको निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इन सबको साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से फ्रिज को साफ़ कर देना है। ये देखिए, पूरा निकालने के बाद इनको गीले कपड़े से आप साफ़ कर लीजिए और वापस अपने इन सब चीज़ों को धो के फिर इसके अंदर फिट कर दीजिए। ये देखिए, मैं फिट भी करके बता रही हूँ आपको। अंदर यहाँ पे जो वाइट दिख रही है वहाँ पे इसको डालना है, धीरे से अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये आप आराम से करना, ये सबको मैंने फिट कर दिया है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप में आपको करना है और ये पूरा फिट हो गया है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो आप।